आज मैं बना रही हूँ टमाटर की कड़ी। उसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं, 7-8 टमाटर मैंने लिए हैं लाल लाल। और इसके लिए कड़ी पत्ते लिए हैं, बेसन लिया है 1 बड़ा चम्मच, ये कोकम के फूल है ये थोड़े से मैंने लिए हैं। और इसके लिए सब्जियां ली है, ड्रम स्टिक्स लिए, सहजन की फली जिसको बोलते हैं, आलू, 1 आलू लिया है मैंने, उसको इस तरह थोड़ा बड़ा काट लिया है मैंने, ग्वार की फली ली है और हरी मिर्ची ली है। इसमें आप सब्जियां अपनी पसंद से डाल सकते हैं, और अगर पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अब कुकर में टमाटर को इस तरह बड़े बड़े पीस में काट कर सीटी लगवाएंगे। टमाटर डाल के फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इससे हम 3 सीटी लगवाएंगे। ये टमाटर को सीटी लग चुकी थी, 3 सीटी मैंने लगवाई है। अब ठंडे हो गए हैं मेरे टमाटर, अब इनको हम मैश करेंगे। टमाटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, अब इसे हम छानेंगे। ये हमारे टमाटर अब छन गए हैं, इसका बीज जो छिलका अब निकल गया है, अब सब हम हो गए हैं हमारे टमाटर। कड़ी के लिए मैंने ये बर्तन रखा है, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है, अब 1 चम्मच मैंने मेथी दाना और 1 चम्मच जीरा लिया है, इसे हम तेल में डालेंगे। थोड़ा तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें बेसन हम डालेंगे। मेथी दाना और जीरा तड़क गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच हींग डालेंगे, इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे। बेसन को हमें थोड़ा भूनना है, गैस स्लो रखेंगे, स्लो गैस पर बेसन को भूनना है। बेसन बस हमारा भून गया है, उतना ही हमें भूनना है, ज्यादा नहीं करना बेसन को। अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, कड़ी पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे इन्हें, गैस को तेज कर देंगे। और हम जो ये टमाटर पीस के रखे हैं इसे हम डालेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे हम इन्हें, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ नमक के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच मैं लाल मिर्ची का डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी का, अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। ड्रम स्टिक, ग्वार की फली, आलू, और ये मैंने कोकम के फूल लिए थे थोड़े, इनको मैं अच्छे से वॉश करके
ये डालूंगी। ये आप ज्यादा ना डालें नहीं तो बहुत खट्टा हो जाएगा, चार पांच ही बहुत होते हैं इसमें। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे, सब सब्जियों के गलने तक इसे पकाना है। गैस को मीडियम रखेंगे और इसे पकते देंगे। कढ़ी हमारी पक रही है, अब मैं कढ़ी के साथ चावल बना रही हूँ। चावल के लिए मैंने चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, और बर्तन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है, इसमें अब हम चावल डालेंगे। चावल को बस हल्के हाथ से थोड़ा भूनेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी डाला है, अब इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक का डाला है। पकने देंगे चावलों को। चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे रख दिया था। चावल हमारे पक चुके हैं, अब चलते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी को मेरे को 20 मिनट हो गए हैं स्लो गैस पर, चेक करते हैं सब्जियां गल गई। गल चुकी है हमारी सब्जियां सारी। बन गई है कढ़ी भी। तैयार हो चुकी है कढ़ी हमारी, टमाटर की कढ़ी। सर्व करते हैं गर्मा गर्म। ये तैयार है हमारी टमाटर की कढ़ी और चावल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।